हम आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए 18 जुलाई को वोटिंग हुई थी, तो वहीं नए राष्ट्रपति 25 जुलाई को शपथ लेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो रहा है। 18 जुलाई को हुई वोटिंग में संसद में बने बूथों में 728 वोट डाले गए। इनमें से 719 सांसद थे, जबकि 9 विधायकों को भी संसद भवन में वोटिंग की अनुमति मिली थी। यहां पहले से ही बीजेपी दफ्तर में विजय जुलूस की तैयारियां शुरू हो गई है। बीजेपी राष्ट्रपति चुनाव में जीत को लेकर आश्वस्त है। पार्टी ने विजय जुलूस की भी तैयारियां शुरू कर दी है। इतना ही नहीं, हम आपको बता दें कि द्रौपदी मुर्मू की जीत के बाद जेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 3 किलोमीटर लंबा रोड शो करने का निर्णय लिए हैं। इस कार्यक्रम में कई केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। तो वहीं राष्ट्रपति चुनाव के संसद में वोटों की गिनती शुरू हो गई है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटों की गिनती 11 बजे से शुरू हुई है और आज हमें देश के नए राष्ट्रपति मिल जाएंगे। इसी बीच सूचना है कि दोपहर करीब 2:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू से मिलने पहुँचेंगे। खबर ये भी है कि 12 राज्यों में 100% मतदान हुई। हम आपको बता दें कि 12 राज्यों में 100% मतदान हुआ। राष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग संपन्न होने के बाद राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी ने बताया कि संसद भवन में कुल मतदान 99% हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, स्काई न्यूज ग्लोबल। हम आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए 18 जुलाई को वोटिंग हुई थी, तो वहीं नए राष्ट्रपति 25 जुलाई को शपथ लेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो रहा है। 18 जुलाई को हुई वोटिंग में संसद में बने बूथों में 728 वोट डाले गए। इनमें से 719 सांसद थे, जबकि 9 विधायकों को भी संसद भवन में वोटिंग की अनुमति मिली थी। यहां पहले से ही बीजेपी दफ्तर में विजय जुलूस की तैयारियां शुरू हो गई है। बीजेपी राष्ट्रपति चुनाव में जीत को लेकर आश्वस्त है। पार्टी ने विजय जुलूस की भी तैयारियां शुरू कर दी है। इतना ही नहीं, हम आपको बता दें कि द्रौपदी मुर्मू की जीत के बाद जेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 3 किलोमीटर लंबा रोड शो करने का निर्णय लिए हैं। इस कार्यक्रम में कई केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। तो वहीं राष्ट्रपति चुनाव के संसद में वोटों की गिनती शुरू हो गई है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटों की गिनती 11 बजे से शुरू हुई है और आज हमें देश के नए राष्ट्रपति मिल जाएंगे। इसी बीच सूचना है कि दोपहर करीब 2:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू से मिलने पहुँचेंगे। खबर ये भी है कि 12 राज्यों में 100% मतदान हुई। हम आपको बता दें कि 12 राज्यों में 100% मतदान हुआ। राष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग संपन्न होने के बाद राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी ने बताया कि संसद भवन में कुल मतदान 99% हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, स्काई न्यूज ग्लोबल।